जिले जगत्याल के कुरुटला शहर में मौजूद वक्फ अराजी पर आए दिन नाजायज कब्जे होते जा रहे हैं और मुतालिका अहदेदारान इस तरफ तवज्जो देने से कासिर है। इस मसले पर मुकामी मुस्लिम बरादरी में नाराजगी पाई जा रही है। सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जे होते जा रहे हैं, जबकि वजीर आला KCR ने वक्फ अराजियात की हिफाजत का तयक्कुन दिया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका। इसी जिमन में मुकामी मुस्लिम बरादरी के एक वक्फ ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए वक्फ अराजियात के बारे में इल्म लाया था और इसी तरह रुकन असम्बली कोरटला विद्यासागर राव को भी एक याददाश्त पेश करते हुए वक्फ अराजियात की हिफाजत का मुतालबा किया, जिसके फौरी बाद रुकन असम्बली विद्यासागर राव हरकत में आए और मुतालिका तहसीलदार से फोन पर बात की, वक्फ अराजियात पर नाजायज काबिजीन को बिला ताखिर बर्खास्त करने की हिदायत दी और इस बात का भी तस्करा किया कि अगर किसी के जानिब से वक्फ अराजियात की खरीद व फरोख्त की गई तब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर TRS अकलियती सदर कोरटला सैयद फहीम, काउंसलर मोहम्मद अनवर, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद मोहसिन व दीगर मौजूद थे। कोरटला से अब्दुल मुसव्विर की रिपोर्ट। आज यहां पर शहर जगत्याल के अंदर अयम हाल में जिले कलेक्टर साहब से मुलाकात की। करीब कोरटले के मुअज्जिज़ शख्सियतों और वहां के TRS कायदीन और काउंसलर्स, नुमाइंदा काउंसलर्स और नौजवानों की तरफ से हम लोग एक याददाश्त जिले कलेक्टर साहब से देते हुए कोरटले के अंदर जो वक्फ की अराजी है जिस पर नाजायज कब्जे करने की कोशिश की जा रही है, तो हमने जिले कलेक्टर साहब से मुतालिबा किया है कि फौरन उसकी हिफाजत की जाए, वरना हम लोग पूरे मुनज्जम अंदाज में, पूरे जमहूरी अंदाज में अगर वक्फ की अराजी को ये नापाक साजिशों के तहत जो भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम करने के लिए हमने जिले कलेक्टर साहब से मुतालिबा किया है। और हम चीफ मिनिस्टर साहब से जो रियासत तेलंगाना की वक्फ अराजी के लिए जो बचाने के लिए जो पास कोरटले के तमाम मुसलमान, कोई पार्टी नहीं, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ मुसलमान, मुसलमानों की मिल्कियत है बोलकर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो 1465, 1409 और 1412 अगस्त पर जो कब्जे हुए, वो कब्जों के सिलसिले में आज हम जगत्याल में कलेक्टर साहब से मुलाकात करें और उनको पूरी चीज़ें बताएं।